हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय द केल्विन मेथड। और ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारा क्लास 12 फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है। और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से अगर आप रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के हिसाब से अगर केल्विन मेथड अप्लाई करते हो उसके ऊपर, तो क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगे, किस तरह से सारी चीजें होगी, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एम दिया गया है, अपैरेटस दिया गया है और साथ में फॉर्मूला, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई हैं। बस आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आपको जो आपका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम देख के जो भी आपका अपैरेटस आपको मिलेगा लैब में, वो सर्किट डायग्राम आपको इस अपैरेटस के हिसाब से ज्वाइंट करना है। यानी आपका ये बैटरी किधर होना चाहिए, की किधर होना चाहिए, रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे लगेगा, गैल्वेनोमीटर आपका कहाँ पे लगेगा, वायर किस तरह से आपको कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। आपको उसी के हिसाब से क्या करना है, सारा कनेक्शन करना है। ओके, तो ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया है और आपको इस प्रोसीजर के हिसाब से ही आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसको करना होता है। क्योंकि अगर आप प्रोसीजर के हिसाब से नहीं करोगे तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो एरर है वो आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट में। इसके लिए आपको कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो आपको प्रोसीजर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है, आप ऑब्जर्वेशन टेबल देख सकते हो, पहला लेफ्ट गैप का है और दूसरा राइट गैप का है, और दोनों में हमने क्या किया है, तीन तीन रीडिंग ली है और तीनों रीडिंग यहाँ पे आपको दी गई है, चाहे वो लेफ्ट गैप की हो या राइट गैप की हो। आप चाहे तो आप अपना रीडिंग लिख सकते हैं या फिर आप ये जो रीडिंग है ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, दोनों रीडिंग सही है, ये वाली रीडिंग भी सही है। अगर आप ये रीडिंग को लिखते हैं तो यहाँ पे इस रीडिंग के हिसाब से आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा और सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप नीचे देखो तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी दिया है कि आपको कैलकुलेशन किस तरह से करना है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है और ये फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको लेफ्ट गैप का और राइट गैप का दोनों का कैलकुलेशन निकालना है, जिसमें आपको लॉग आर की वैल्यू निकालनी है, लॉग एलजी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है और एंटी लॉग ई। ओके, तो ये सारी चीजें आपको लेफ्ट और राइट दोनों में निकालना है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हमने तीन तीन रीडिंग लिया है तो तीन रीडिंग के हिसाब से यहाँ पे सारा का सारा जो वैल्यू है, कैलकुलेशन है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे आप निकाल के दे रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट लिखना है, जो भी आपका गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस आया है वही सेम वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट इज द बैलेंस पॉइंट। तो बैलेंस पॉइंट क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता है जहां पे जो नल डिफ्लेक्शन होता है उसी को हम लोग बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो एक और क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल हैपन इफ द सेल आर एंड द गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। अगर हम लोग सेल को और गैल्वेनोमीटर को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है। ओके, उसके बाद कैन यू यूज अ शंट फॉर द गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन। तो क्या हम लोग इसके लिए जो शंट है वो यूज कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है, यहाँ पे पूरा आंसर आपको अच्छे से लिख के दिया है। तो इस तरह से जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 9 था वो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे खत्म कर लिया है। और सारे के सारे जो रीडिंग से, चाहे वो कैलकुलेशन हो या फिर कुछ भी हो, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट होगा या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लिया और वहां से आप ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आप वहां से पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।